नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? भाई के चैनल में तुम्हारा स्वागत है यार। तो अभी जो है इस गाड़ी में जो एयर फिल्टर जो मैंने लगाया हुआ था गोल वाला, यानी कि के एंड एन फिल्टर, वो ऐसा लग रहा है उससे कि मतलब वो गाड़ी का दम घोट रहा है, यानी कि पूरी हवा नहीं ले पा रही बाइक, तो बाइक का पिकअप नहीं बढ़ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार मैं पुराना वाला इसका एयर फिल्टर लगा के देख लेता हूँ वापस, शायद उससे थोड़ा फर्क आ जाए, यानी कि गाड़ी पिकअप नहीं ले रही, रेस नहीं पकड़ रही। ऐसा एक कारण ये भी होता है कि जब हमारे एयर फिल्टर हमारा ब्लॉक हो जाता है, यानी कि कभी कभी गलती से उसमें कपड़ा छूट जाता है, जो भी होता है एयर फिल्टर ब्लॉक हो जाता है, तो हमारी गाड़ी पिकअप नहीं लेती है और बंद होती है बार बार। तो एक बार मैं देख लेता हूँ इसका एयर फिल्टर लगा के पूरा। और दूसरा काम मुझे इसमें यह है कि सेल्फ स्टार्ट का कनेक्शन देना है। मैंने पूरी सारी वायरिंग निकाली सेल्फ स्टार्ट की, तो अब मैं सेल्फ स्टार्ट लगा रहा हूँ। उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि सेल्फ स्टार्ट काम कैसे करता है और क्या क्या उसमें लगे होते हैं डिवाइस जो सेल्फ स्टार्ट में होते हैं जरूरी, और कैसे कनेक्शन दिया जाता है सेल्फ स्टार्ट। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। ये आ गया बाइक का पुराना एयर फिल्टर पूरा बॉक्स। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे अगर आप भी के एन फिल्टर लगाने की सोच रहे हो, तो उससे पहले आप जब लगाने के बाद अपनी गाड़ी को चेक करना, अगर पिकअप बराबर पकड़ ली है तो ठीक है, नहीं तो आपको अपना के एंड एन फिल्टर खोलना पड़ेगा, दोबारा अपना एयर फिल्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती है। वो सिर्फ एक मतलब टाइम पास के लिए होता है, जैसे हम खाली एक ट्रायल के लिए, जैसे कि मतलब हम शौक से, तो उसकी उससे गाड़ी की परफॉर्मेंस घट जाती है, गाड़ी ठीक से रेस नहीं ले पाती क्योंकि उसको प्रॉपर हवा नहीं मिलती गाड़ी को। तो गाड़ी को चलने के लिए हवा लेना बहुत जरूरी है, और जब गाड़ी हवा नहीं लेती है तो गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा लेती है, जिससे गाड़ी का माइलेज भी कम हो जाता है। और बहुत से लोग ये करते हैं, एक बात सबसे ज़रूरी कि वो गाड़ी की आवाज़ बढ़ाने के लिए या मतलब बेस बढ़ाने के लिए अपनी गाड़ी का एयर फिल्टर निकाल देते हैं। ज़्यादातर जिन लोगों जो मतलब जिन्हें पता नहीं है, मैं बता दूँ कि गाड़ी का एयर फिल्टर कभी नहीं निकालना चाहिए, गाड़ी में एयर फिल्टर होना चाहिए। अगर एयर फिल्टर निकाल देंगे तो जो हमारा डस्ट है जो हमारे एयर में, वो सारे इस पूरे सिलेंडर के ब्लॉक के अंदर चले जाएगी हमारी, जिससे हमारा पिस्टन जल्दी घिस जाएगा और हमारे गाड़ी के और पार्ट्स भी डैमेज हो जाएंगे। तो गाइस, गलती से भी दोस्तों किसी अपनी बाइक का एयर फिल्टर ना खोलें, एयर फिल्टर टाइम टू टाइम से सर्विस पर उसको चेंज करें। अगर वो ख़राब हो गया, डस्ट आ गया, ब्लॉक हो गया, तो एयर फिल्टर जैसे गाड़ी में पेट्रोल जुड़ी चलने के लिए, वैसे ही एयर फिल्टर और मोबिल ऑयल, ये दोनों चीज़ गाड़ी के लिए टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है, और इनको टाइम टू टाइम आपको चेंज करना चाहिए सर्विस पे। ये नहीं कि आपकी गाड़ी जब, बहुत से लोग क्या करते हैं, गाड़ी की आवाज़ जब थोड़ा बिगड़ जाती है, यानी कि थोड़ा दिक्कत करती है, तभी गाड़ी की सर्विस कराते हैं, तो ऐसा गलत। आप किलोमीटर पर टाइम टू टाइम सर्विस कराइए, 2000 रुपये या 1000 रुपये, 3000 रुपये, एक फिक्स अपने मैकेनिक से पूछ के उसी पर सर्विस करवाइए आप, अपना मीटर को बिल्कुल ओके रखिए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, ये तो थी ज़रूरी जानकारी। अब मैं इसका एयर फिल्टर लगा देता हूँ। सबसे पहले मुझे साइड पैनल खोलना है और फिर एयर फिल्टर को लगाना है। उसके पहले मैं वो चेक कर लेता हूँ कि ये पहले कैसा था, उसके बाद मैं एयर फिल्टर लगा के चेक करूँगा गाड़ी चला के कि अब कैसा चेंज आया है, क्योंकि एकदम से समझ नहीं आता है। और एक प्रॉब्लम इसमें और आ जाती है कि एयर फिल्टर्स का ओपन होता है तो ज़रा सी गाड़ी धोने पे पानी पूरा उसमें आ जाता है, और पानी आया तो अभी मैंने गाड़ी धोई है तो गाड़ी का एयर फिल्टर फिर पूरा ब्लॉक हो गया है, बिल्कुल भी रेस नहीं पकड़ी और बंद हो जा रही है। फिलहाल इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले ये वाला फिल्टर निकालना है, ये वारो यानी ये वाला फिल्टर, और उसके बाद दूसरा फिल्टर लगाना है। तो जैसे लगाया था मेरा वीडियो, पिछला वीडियो आपने देखा होगा, जिसने नहीं देखा है वो देखो, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ करो भाई लोग। और चलो शुरू करते हैं। अभी बाइक में बहुत अलग अलग नए टाइप के मॉडिफिकेशन होने हैं और धीरे धीरे काम शुरू होने वाला है, और बस आप लोगों को मेरी हेल्प करनी है कि मेरे चैनल को प्रमोट करना है अपने दोस्तों पर और सब्सक्राइब करना है, जिससे कि मेरा काम और जल्दी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वायरिंग को ठीक कर लेता हूँ, यानी कि तार बाड़ को मैं अरेंज कर देता हूँ, ठीक ठाक कर देता हूँ, तो चल वायरिंग सही हो जा। हो गया। Silence.
this place above. And I know it cannot last, but at last I can finally breathe. And I know it cannot last, but at last I can finally see. एयर फिल्टर डाल के भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो भी है चलो एयर फिल्टर कम से कम हवा तो साफ जाएगी उसके अंदर नहीं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही काम है। और अब क्या करना है इसमें, हाँ, सेल्फ का कनेक्शन देना है, वो भी अभी दे देता हूँ। और चलते हैं उस तरफ, क्योंकि यहाँ से फिल्टर बॉक्स लग गया है, सारी तारें मैंने फेंक दी उस तरफ, तो वहाँ दिखाता हूँ। और मैं आपको तार के बारे में नहीं बता पाऊँगा अभी, क्योंकि जो तार मैंने बनाई है वो सब खोल खाल के अलग अलग अपने हिसाब से बना रहा हूँ, और तो आप गड़बड़ जाओगे और आप अपनी अच्छी तार से भी कंफ्यूज जाओगे, क्योंकि मैंने यहाँ सारी कनेक्शन आधे निकाल दिए हैं और शॉर्टकट में मैं तार लगा रहा हूँ। तो आपको सिर्फ आपको एंजॉय के लिए देखना है बस।